इस वीडियो में मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये वीडियो में बात करने वाले हैं काफी सारे कुकिंग, काफी सारे न्यूट्रिशनल और आयुर्वेदा हैक्स के बारे में। 10 ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपकी सेहत को और बेहतर बना सकती है। बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं हैक नंबर 1 पर। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर से कभी मुलाकात नहीं होगी। यही सोच के आप खूब सारी एप्पल लेके आते हो, एप्पल को कट करते हो, खाना शुरू करते हो। जैसे ही आधा एप्पल खाते हो आपको मन नहीं करता कि बहुत है भाई, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। उस बेचारे बचे हुए एप्पल का क्या होगा? वो जो एप्पल होता है वो कुछ देर बाद में ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका कलर ब्राउन हो जाता है और बेकार हो जाता है, आप उसे फेंक देते हैं। हैक क्या है? हैक ये है कि जब आप एप्पल को कट करें तो अपनी एप्पल स्लाइसेस पे आप थोड़ा लेमन जूस उसमें लगा सकते हैं, लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। उससे इट नॉट ओनली हैम्पर्स द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, उसके अलावा आपको विटामिन सी का भी इंटेक आपका बढ़ जाता है। हैक नंबर 1 जबरदस्त। पहले भी काफी सारे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाए हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही पावर योगा का वीडियो था, उससे पहले हमने बात की थी घी के बारे में, उससे पहले एक से एक जबरदस्त वीडियो थे आपके लिए। सीधा चलते हैं हैक नंबर 2 पर। हैक नंबर 2 है स्प्रे ऑयल्स। आप डाइट फॉलो करते हैं, आप वेट कम करना चाहते हैं और उसमें बहुत ही जरूरी होता है लेस ऑयल इन योर डाइट, लेकिन बिना तेल के अच्छी सब्जी बने तो बने कैसे? और जी हम बताएंगे कैसे बनेगी बिना तेल के अच्छी सब्जी। स्प्रे ऑयल्स बहुत ही चलन में है आजकल। स्प्रे ऑयल्स अपनी सब्जी में बहुत सारा तेल डालते हैं हम चाहते हैं कि हम तेल ना खाएं, लेकिन हमारी सब्जी खुद तेल में गोते खा रही होती है। देखिए ऑयल का काम है आपकी सब्जी को बर्तन में चिपके ना, लेकिन हम इतना सारा तेल खाते हैं कि सब्जी तेल में तैर रही होती है। तो स्प्रे ऑयल भी बहुत ही अच्छा कुकिंग हैक है, इसका इस्तेमाल कीजिए। एक चम्मच ही तेल में आप बहुत सारी सब्जी बना सकते हैं, लेकिन सही तरीका स्प्रे ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। बात करेंगे हैक नंबर 3 की, और हैक नंबर 3 है मिट्टी के बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करिए अपनी किचन में। देखिए ये बात अगर मैं आपको कुछ सालों पहले बोलता तो आप बोलते कि क्या अनपढ़ गंवारों वाली बात कर रहे हो, लेकिन आज मिट्टी के बर्तनों का ट्रेंड चल चुका है, तो आप भी इस ट्रेंड में पीछे ना रह जाएं, अपने रसोई में मिट्टी के बर्तन जरूर लाएं। देखिए जो धातु के बर्तन होते हैं उनमें खाना जो आप पकाते हैं, सब्जी पकाते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, और लेकिन मिट्टी के बर्तन में न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। चाहे आयरन हो, फास्फोरस हो, सल्फर हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, सारे मिनरल्स मिट्टी के बर्तन में जब खाना पकाते हैं तो शरीर को सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो मिट्टी के बर्तन को आज ही घर पे ले आइए, और घर में यदि एल्यूमिनियम के बर्तन रखते हो एल्यूमिनियम के बर्तनों को आज ही टाटा बाय बाय कर दीजिए। एल्यूमिनियम इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ये चलन चला था कुछ साल पहले, लेकिन आज काफी सारी रिसर्च आई है, उनमें पता लगा है कि एल्यूमिनियम के बर्तन में आपको काफी सारे टॉक्सिन शरीर में जा रहे हैं जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। बात करेंगे हैक नंबर 4 की। हैक नंबर 4, 51% इंडिया में लोग अनीमिया से ग्रसित हैं, यानी खून में आयरन की कमी है। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब आयरन की कमी है, डॉक्टर बोलता है आयरन के कैप्सूल्स खाओ, आप बोलते हो नहीं साहब हमें तो कोई नेचुरल चीज बताओ, तो बोला पालक खाओ। आप पालक खाते हो, सुबह खाते हो, शाम को खाते हो, कई दिन लगातार पालक खाते हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आयरन को एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं है। यदि आप चाहते हो आपकी बॉडी में आयरन फटाफट एब्जॉर्ब हो जाए, तो जब भी आप पालक की सब्जी बनाते हैं उसमें लेमन स्क्वीज करना ना भूलें। विटामिन सी क्या करेगा? आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। हैक नंबर 4, विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। हैक नंबर 5, बात करेंगे दाल की। देखिए वेजिटेरियन लोगों का एकमात्र प्रोटीन का सहारा है दाल, लेकिन इस दाल को भी बहुत सारे लोग इजीली पचा नहीं सकते। तो अब इसमें हैक क्या है, क्या ऐसी चीज करें कि दाल आसानी से पच जाए? तो देखिए जब भी आप दाल बनाते हैं सबसे पहली चीज तो ये करें, कोई सी भी दाल हो, चाहे वो पॉलिश्ड हो, अनपॉलिश्ड हो, या कोई सी भी वैरायटी हो, चाहे मूंग की दाल हो, चने की दाल हो, तूर की दाल हो, उड़द की दाल हो, मसूर की दाल हो, कोई भी वैरायटी ऑफ दाल हो, 5 बार अपनी दाल को धोइए। धोने के बाद में 4 से 5 घंटे दाल को पानी में डाल दीजिए, पानी में सोक होने दीजिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी दाल को सोक कर सकते हैं, इससे होगा ये। देखिए ड्राई फ्रूट्स इजीली नहीं पचते, लेकिन जैसे ही उसे सोक करते हैं ड्राई फ्रूट शरीर में पचने लगता है, वैसे ही दाल जो है 4-5 घंटे में सोक यदि आपने किया है तो वो इजीली शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगी, शरीर का वात नहीं बढ़ाएगी अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो। और आप चाहें जैसे मैंने कहा ओवरनाइट भी सोक कर सकते हो। और अब कुक कैसे करेंगे इसे? देखो जब आप कुक करेंगे तो यूजुअली आपको 3 से 4 सीटी लगती है दाल को पकाने में। अभी यदि आप ये नुस्खा अपनाएंगे कि उसको सोक करके रखेंगे दाल को, तो 1 सीटी में ही काम हो जाएगा और दाल इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगी। हैक नंबर 6, आप डाइट फॉलो कर रहे हैं लेकिन आप केक्स और मफिन्स के काफी शौकीन हैं, बार बार खाने का मन करता है,
रहा नहीं जाता, खा लेते हो सब, डाइट जो पिछला सारा मेहनत की थी वो सब बराबर हो जाती है, तो क्या करें। देखिए आप अपने केक्स में जब आप बेकिंग करें तो उसमें बटर की जगह बनाना का इस्तेमाल करें। बटर की जगह बनाना ये कैसे कर सकते हैं, देखिए यदि आप आधा कप बटर यूज करते हैं तो उसकी जगह 3 राइप बनाना, पके हुए बनाना का इस्तेमाल करें, उसे मैश कर लीजिए और उससे केक बनाइए, मफिन्स बनाइए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो जो राइप करे हुए बनाना को आप मैश करके उससे केक बनाएंगे तो मैक्सिमम उसकी जो लाइफ होगी वो 2 दिन होगी, तो उसे 2 दिन पहले ही खा लेना। बटर की जगह बनाना का इस्तेमाल करें, हैक नंबर 6 है ये। बात करेंगे हैक नंबर 7 की, और हैक नंबर 7 की बात करेंगे आयुर्वेदा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आयुर्वेद की बात करेंगे। देखिए शरीर में जिन लोगों को अपना डाइजेशन को बढ़ाना है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाना है, तो जो लोग वात प्रकृति के और अपने पित्त प्रकृति के लोग हैं वो मॉर्निंग में खाली पेट 1 चम्मच देसी गाय का घी जरूर खाएं। उससे होगा ये, आपके शरीर की जठर अग्नि बढ़ेगी। घी पे तो मैंने 2 वीडियो पहले ही इतना जबरदस्त वीडियो बनाया था, मतलब मुझे खुद को उसको देख के इतना मजा आया कि क्या वीडियो बनाया है। तो आप भी जरूर देखिए, ऊपर आई बटन यहाँ पे दिखा होगा आपको, उस पर क्लिक करके इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को भी देखें। घी के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, खाली पेट घी खाइए, वात प्रकृति के लोग, पित्त प्रकृति के लोग। एक बहुत ही ऑथेंटिक किताब है आयुर्वेद पे, भाव प्रकाश, भाव प्रकाश में कहा गया कि घी और दूध की क्वालिटी लगभग सेम होती है लेकिन घी डाइजेशन बढ़ाता है अनलाइक मिल्क। तो घी दूध से भी बढ़िया है, वात प्रकृति के और पित्त प्रकृति के लोग आसानी से ले सकते हैं, खाली पेट घी। हैक नंबर 8 की बात करूंगा, और हैक नंबर 8 में बात करूंगा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में, हमारी जीभ में 6 तरीके के टेस्ट हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं ये? स्वीट, सार, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर, एस्ट्रिंजेंट। मींस आपके ये 6 टेस्ट आपके शरीर को हेल्दी रखने में बहुत मदद करते हैं, तो बहुत ही जरूरी है इन 6 टेस्ट को सेटिस्फाई किया जाए। किसी भी एक टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो वो ही बार बार खाने का मन करेगा। आपने थोड़ा सा मीठा यदि अपनी डाइट में नहीं लिया है तो पूरे दिन मीठा खाने का मन करेगा, शुगर क्रेविंग्स होंगी आपको। आयुर्वेद कहता है कि अपनी डाइट को ऐसे प्लान करें कि उसमें 6 के 6 टेस्ट जो हैं वो सारे हों। साउथ इंडियन डाइट लगभग आयुर्वेद को पूरा फॉलो करती है, जो ऑथेंटिक साउथ इंडियन डाइट है तो आप देखेंगे उसमें सारे टेस्ट सेटिस्फाई होते हैं, स्वीट भी, सॉल्टी भी, सार भी, सारे के सारे टेस्ट, 6 टेस्ट को सेटिस्फाई कीजिए। नहीं तो बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा, क्रेविंग होगी, मीठे की क्रेविंग होगी, खट्टे की क्रेविंग होगी, और टीवी पे तो आपको यही ऐड दिखाई देंगे कि खाए जाओ, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ, लेकिन आपको गुण नहीं गाने यूनाइटेड के, उतना ही डालो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, या शरीर को भी नाली या कूड़ादान नहीं बनाना कि कुछ भी डालते गए, सारे टेस्ट को सेटिस्फाई करें आयुर्वेद कहता है। हैक नंबर नौ में हम बात करेंगे अपने ऑयल्स की। आप ऑयल यूज करते हैं, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, ऑलिव ऑयल, अलग अलग तरीके के हम ऑयल्स यूज करते हैं, तो हैक ये है कि अपने ऑयल्स को चेंज करते रहिए। बहुत ही अच्छी टिप मैं बता रहा हूँ, आज ही आप अपनी जो किचन का बजट प्लान करते हैं उसमें ऐसा प्लान करें कि उसमें सारे तेल आप इस्तेमाल करें। कभी सब्जी आपके स्वाद अनुसार अलग अलग तेल में बनाइए, घी का भी इस्तेमाल करें, ऑयल्स को चेंज करते रहें। आखिरी हैक और सबसे इंपॉर्टेंट हैक जो मैंने अभी तक आपके लिए बचा के रखा था, सोचा आखिरी में बताऊंगा, आखिरी जो हैक है वो है हनी फर्मेंटेड गार्लिक, यानी गार्लिक को छीला, गार्लिक यानी लहसुन, लहसुन को छीला, 2 टुकड़ों में काटा, काटने के बाद में उसको रॉ हनी में 1 हफ्ते तक सोक कर दिया, उसको खाने से पहले उस एक टुकड़े को, गार्लिक के लहसुन के 1 टुकड़े को खाने से पहले खाया, जबरदस्त वेट लॉस का नुस्खा है, बरसों आजमाया हुआ आयुर्वेद का नुस्खा है। तो उससे होगा क्या, आपकी अग्नि बढ़ेगी, जठर अग्नि बढ़ेगी अंदर, लेकिन हो सकता है यदि आप खाने के पहले 1 गार्लिक का टुकड़ा, फर्मेंटेड हनी फर्मेंटेड गार्लिक 1 टुकड़ा खाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी जलन लगे, तो ये खाने के पहले जलन लगती है तो खाने के बाद में खा सकते हो। जिन लोगों को कोल्ड और फ्लू रहता है उनके लिए भी जबरदस्त देसी आजमाया हुआ नुस्खा है, साइंटिफिक नुस्खा है, क्योंकि हनी जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है और गार्लिक उसकी भी तासीर गर्म होती है, तो जिन लोगों को जुखाम, सर्दी ये सारी चीज़ें रहती हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। 10 मैंने आपको हैक्स बताए, छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही काम का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि आने वाले टॉपिक, किस टॉपिक पे वीडियो बनाए आप लोगों के लिए, कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं आप चैनल पे, योगा से रिलेटेड वीडियो ज्यादा देखना चाहते हैं, आयुर्वेदा से रिलेटेड ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं, या बीच बीच में कुछ व्लॉग्स भी डाले थे आपके लिए और भी व्लॉग्स देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, खुद मैं आपके कमेंट्स का, सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा।
जरूर से आज ही अभी कमेंट करो वीडियो पे। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो सिंपल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन, दोस्तों को शेयर, व्हाट्सएप पे आपकी तरफ फैला दीजिए वीडियो को। और एंड में जाते जाते हर वीडियो में यही कहता हूँ, खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।